हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम सभी प्रकार की नॉलेज से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, इसीलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब कर दे और घंटी को भी दबा दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। जीरो का आविष्कार किसने और कब किया? शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज है और यह दुनिया में होने वाले कुछ महान आविष्कारों में से एक है। शून्य के आविष्कार की गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्णांकों तथा वास्तविक संख्याओं के लिए यह योग का तत्समक अवयव एडिटिव आइडेंटिटी है। शून्य की सबसे खास बात यह कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने से शून्य प्राप्त होता है और किसी भी संख्या को शून्य से जोड़ने या घटाने पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है। और शून्य के पीछे लगे बिना कोई संख्या बड़ी नहीं बन सकती। एक में शून्य लगाए तो 10 हो जाता है और शून्य बढ़ाते जाए संख्या बड़ी होती जाएगी। सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और फिर खरब है। यदि शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या नहीं होती और गणित को हल करना भी बड़ा मुश्किल होता, इसलिए शून्य के आविष्कार को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जीरो का आविष्कार। शून्य का आविष्कार किसने और कब किया, यह आज तक यह जानकारी छुपी हुई है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से यह दावा करते रहे हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में किया गया था। कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया, उसके बाद ही यह दुनिया में प्रचलित हुई। लेकिन अमेरिका के एक गणितज्ञ कहना है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ था। अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्सेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा है और कहा जाता है कि सर्वनंदी नामक दिगंबर जैन मुनि द्वारा मूल रूप से प्रकृत में रचित लोक विभाग नामक ग्रंथ में शून्य का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में दशमलव संख्या पद्धति का भी उल्लेख है और यह उल्लेख सन 498 में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद्ता आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय संख्यास्थान अनिरूपणम में कहा है। और सबसे पहले भारत का शून्य अरब जगत में सिफर अर्थ खाली नाम से प्रचलित हुआ, लेकिन फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए इसे अंग्रेजी में जीरो जीरो कहते हैं। लेकिन शून्य के आविष्कार को लेकर कुछ अलग तथ्य भी है कि अगर शून्य का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट जी ने किया, फिर हजारों वर्ष पूर्व रावण के 10 सिर बिना शून्य के कैसे गिने गए, बिना शून्य के कैसे पता लगा कि कौरव 100 थे, ऐसे कुछ अलग अलग बातें हैं। लेकिन आज तक यही कहा जा रहा कि शून्य का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट जी ने किया था।